हेलो एवरीवन, सो हमें रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अमेंडमेंट्स आज कवर करने हैं. और अमेंडमेंट की जो सीरीज चल रही है उसमें जो मेजर अमेंडमेंट्स आए हैं उसमें आईटीसी के अमेंडमेंट्स हैं, क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट का अमेंडमेंट है, रजिस्ट्रेशन के अमेंडमेंट है और कंपोजिशन के अमेंडमेंट है. तो हम अभी जो डिस्कस करने वाले हैं वो है रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर क्या क्या मेजर अमेंडमेंट्स आए हैं. सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं आपको बता दूं क्या क्या अमेंडमेंट्स रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर आए हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो कि रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर हमें कवर करने हैं. तो ओके, लेट्स बिगिन. सबसे पहला जो अमेंडमेंट रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर आया है ना, वो अमेंडमेंट है रजिस्ट्रेशन चैप्टर की थ्रेशोल्ड लिमिट को लेके. रजिस्ट्रेशन चैप्टर की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ना, उसमें एक मेजर अमेंडमेंट आया है. और वो अमेंडमेंट क्या है, आप लोगों ने अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया होगा, जैसे मैंने आपको बोला था कि आप लोग ICAI की वेबसाइट से वो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा जिसमें अमेंडमेंट्स है, तो वो आप सामने रख सकते हो प्रिंट आउट अगर आपने निकलवा लिया है तो. अदरवाइज मैं तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ कि क्या क्या अमेंडमेंट्स मेजर रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर आए हैं, मेजर अमेंडमेंट्स हैं इसके अंदर. और जो बहुत बड़ा अमेंडमेंट है वो है थ्रेशोल्ड लिमिट का. तो अब देख लेते हैं क्या क्या थ्रेशोल्ड लिमिट किन कौन कौन से स्टेट्स के ऊपर एप्लीकेबल है. सबसे पहले जो लिमिट्स एप्लीकेबल है रजिस्ट्रेशन की, तीन लिमिट्स कर दिए. पहले लिमिट होती थी 10 लाख और 20 लाख, कुछ स्टेट्स के लिए 10 लाख कुछ स्टेट्स के लिए 20 लाख, लेकिन अब ये लिमिट्स के अलग अलग क्राइटेरिया हैं. ये लिमिट 10 लाख और 10 लाख, 20 लाख और 20 लाख और 20 लाख और 40 लाख और यहां पे भी स्टार लगा के लिखेगा. तीन पार्ट में ये लिमिट हो गई है, 10 10 20 20 और 20 40. तीन टुकड़े में लिमिट आ जाती है, 10 10 20 20 और 20 40, तीन टुकड़ों में पूरी की पूरी लिमिट कवर होती है. और अगर अपन बात करें तो कौन कौन से स्टेट्स कौन कौन से लिमिट में आते हैं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये चार स्टेट्स 10-10 लाख की लिमिट के अंदर है. अब आप बोलोगे कि साहब 10-10 लाख की लिमिट मतलब, एक्चुअली 10-10 लाख की लिमिट गुड्स और सर्विसेज, 10 लाख गुड्स 10 लाख सर्विसेज. मतलब अगर एक आदमी ट्रेडिंग कर रहा है गुड्स की तो भी 10 लाख, और एक आदमी अगर सर्विसेज की सेल कर रहा है तो भी 10 लाख. तो दोनों के लिए लिमिट 10-10 लाख रुपए है, गुड्स वाले के लिए भी और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी. पर चार स्टेट्स के लिए लोअर लिमिट लगती है अब 10 और 10 की. कौन कौन से चार स्टेट्स है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये चार स्टेट चले जाएंगे 10-10 की लिमिट के अंदर. अब अपन बात करें 20-20 की लिमिट में कौन कौन से स्टेट जाएंगे, तो अगेन गुड्स और अगेन इधर सर्विसेज, अरुणाचल प्रदेश, दैट इज अरुणाचल प्रदेश. दूसरा है मेघालय, सिक्किम, इसके बाद आएगा पुडुचेरी. यूनियन टेरिटरी में अगर हम बात करें तो पुडुचेरी है जो स्टेट कैटेगरी के ही माना जाता है, और तेलंगाना जो कि नया स्टेट बना है. ये जो सारे स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स के लिए लिमिट 20 और 20 की है. गुड्स के लिए भी 20 है और सर्विसेज के लिए भी 20 है. मतलब इन स्टेट्स के अंदर कोई व्यापारी अगर गुड्स की ट्रेडिंग कर रहा है तो भी लिमिट 20 लाख रहेगी, और अगर इन स्टेट्स में व्यापारी अगर सर्विसेज की ट्रेडिंग कर रहा है तो भी लिमिट 20 लाख रुपए ही रहेगी. तो रजिस्ट्रेशन में अगर हम बात करें तो एक स्लैब होगी 10-10 की, एक स्लैब होगी 20-20 की. 20-20 में कितने स्टेट्स आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश, मेघालय, 6 हैं. आंध्र प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, पुडुचेरी, तेलंगाना, एक और रह गया उत्तराखंड, 4 हैं 10-10 की लिमिट में और 6 हैं 20-20 की लिमिट में. तो सर फिर अब 20-40 में कौन आएगा, 20-40 में कौन कौन से स्टेट्स हैं, तो इसमें आएगा जम्मू एंड कश्मीर, इसमें आएगा हिमाचल प्रदेश, इसमें आएगा आसाम और इसमें आ जाएंगे अदर स्टेट्स सारे. एक्चुअली मैंने इन तीनों को साथ में क्यों लिखा, क्योंकि स्पेशल कैटेगरी वाले हैं पर इनके ऊपर हायर लिमिट ही एप्लीकेबल होती है. मतलब है ये स्पेशल कैटेगरी वाले पर इनके ऊपर जो लिमिट एप्लीकेबल होती है वो हायर लिमिट ही एप्लीकेबल होती है. मतलब अब रजिस्ट्रेशन के लिए 2 की जगह 3 अलग अलग लिमिट हो गई. और अब वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का क्राइटेरिया मत देखना, क्योंकि सबके लिए एक नहीं है. कुछ स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट्स 10-10 की लिमिट से 20 की लिमिट में आ गए, कुछ 20 से 40 पे आ गए. तो देर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन. अब ये भी ध्यान रखना 20
सॉरी 40-20 करो इसको, क्योंकि हम पहले गुड्स की लिख रहे हैं ना, तो गुड्स की 40 है, सर्विसेज की 20 है। अगर हम गुड्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो लिमिट कितनी हो जाएगी, 40 लाख। अगर हम सर्विसेज की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सर्विसेज की सेल कर रहे हैं तो लिमिट कितनी हो जाएगी, 20 लाख। तो ध्यान रखना, सर्विसेज के गुड्स के लिए 40 है और सर्विसेज के लिए 20 लाख की लिमिट है। तो जैसे एमपी है, मध्य प्रदेश है, या गुजरात है, या राजस्थान है, तो उन्होंने ट्रेडर्स के लिए लिमिट बढ़ा दी। पहले लिमिट 20 लाख होती थी, अब ये लिमिट 20 से बढ़ा के 40 हो गई है। पर सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए लिमिट नहीं बढ़ी है। अगर मैं सर्विसेज दे रहा हूं तो मेरे लिए आज भी लिमिट 20 है, पहले भी 20 ही थी। रेस्टोरेंट वालों के लिए आज भी लिमिट 20 है, पहले भी 20 ही थी। सर्विसेज वालों के लिए लिमिट चेंज नहीं हुई है, लिमिट चेंज सिर्फ गुड्स सेल करने वालों के लिए हुई है। वो लिमिट 20 से कम बड़ा के कितनी कर दी गई है, 40 लाख कर दी गई है। ओके, पर इसके साथ लगा हुआ है स्टार। ये जो लिमिट बढ़ाई, कौन सी लिमिट, 20 लाख की गुड्स की लिमिट को बढ़ा के कितना कर दिया है, 40 लाख कर दिया है। ये जो लिमिट बढ़ाई है, ये जो लिमिट को इंक्रीज किया है, ये पान मसाला, टोबैको और आइसक्रीम प्रोडक्ट के लिए नहीं है, इसके साथ स्टार है। मतलब पान मसाला, टोबैको और आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर जितने भी हैं, वो सारे लोग 20 लाख की लिमिट में ही आएंगे, 40 में नहीं जाएंगे। बड़ी भी लिमिट नहीं लगेगी। जो लिमिट 20 लाख थी पहले, वही एप्लीकेबल होगी। ये लिमिट 20 से बढ़ के जो 40 हुई है, ये तीन प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। पान मसाला, टोबैको और आइसक्रीम, ये तीनों लोगों के लिए लिमिट्स एप्लीकेबल नहीं है। इन तीनों के ऊपर अभी भी लोअर लिमिट ही लगती है। मतलब इन तीन कमोडिटी को 40 की जगह 20 लाख की लिमिट में ही लाके खड़ा कर दिया है। ठीक है, सबसे पहले ये चार्ट बना लो और इसको नोट कर लो, तो अपन इसके बाद कुछ केस स्टडीज डिस्कस करके उसकी सिचुएशंस को डील करेंगे कि एग्जाम में कैसे आएगा। पहले इसको नोट कर लीजिए। कर लिया आप लोगों ने नोट, वेरी नाइस। अब मेरी बात सुनिए, इसके अंदर किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है उसको डील करने से सबसे पहले कुछ जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में आएंगे अपन उसको डील कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आएगा वो ये है कि सर, एक आदमी की जो एग्रीगेट टर्नओवर अपन देखते हैं, 10 लाख 10 लाख, 20 लाख 20 लाख, या 20 लाख 40 लाख, जो भी अभी ये लिमिट है, क्या ये लिमिट एक स्टेट की देखते हैं या पूरे इंडिया की देखते हैं? तो ये बात अगर आपने जीएसटी ढंग से पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा, हम हमेशा एग्रीगेट टर्नओवर एक स्टेट का नहीं देखते हैं, पैन इंडिया बेसिस का एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाता है। इट मींस व्हाट, हम जब भी एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं तो इट इज नॉट ओनली फॉर द स्टेट, इट इज फॉर द होल इंडिया। उस आदमी, उस पैन नंबर पे जितने भी बिजनेस रजिस्टर्ड हैं, उन सबका टोटल टर्नओवर 40 लाख या 20 लाख या 10 लाख जो भी लिमिट है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये तो आपको आना चाहिए क्योंकि ये बात पहले से क्लियर है। लेकिन सर, अब आप बोल रहे हो कि सर तीन तीन अलग अलग लिमिट हो गई। तो अगर एक आदमी दो स्टेट में बिजनेस कर रहा है, उसका एक बिजनेस मिजोरम में है और एक बिजनेस मेघालय में है, या एक बिजनेस मेघालय में और एक बिजनेस हिमाचल प्रदेश में, तो सर अब इस आदमी के ऊपर कौन सी लिमिट एप्लीकेबल होगी? एम्बिग्विटी आ गई। एक बिजनेस लोअर कैटेगरी वाले स्टेट में चला गया जहां पे टर्नओवर लिमिट कम है, एक बिजनेस हायर कैटेगरी वाले में चला गया जहां पे टर्नओवर लिमिट बहुत ज्यादा है। तो नाउ द पॉइंट इज कि इन ऑल दीज केसेस आपके ऊपर क्या टर्नओवर लिमिट एप्लीकेबल होगी। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई एम्बिगिटी और कंफ्यूजन आएगा कि यार इन दोनों में, दो लिमिट में आप फंसोगे, हमेशा सरकार
लोअर लिमिट लेती है, हमेशा लोअर लेती है। इट मींस व्हाट, अगर आपको बोल दिया जाए कि नहीं 20-20 और 40-20 आप इधर और इधर आ रहे हो, तो आपका 20 लाख की लिमिट हो जाएगी। अगर आप गुड्स की ट्रेडिंग कर रहे हो और आपका 20 लाख का लिमिट है फॉर मेघालय एंड हिमाचल प्रदेश का 40 लाख का लिमिट है, आपके और 20 लाख का ही लिमिट लगेगा। मतलब अब आपको दोनों ही स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अगर आपका टर्नओवर लिमिट 20 को क्रॉस कर गया तो। तो ये चीज ध्यान रखना कि जब भी इस तरह का कंफ्यूजन आएगा जहां पे आप दो टर्नओवर में इन्वॉल्व हो जाओगे, हमेशा ध्यान रखना लोअर वाला टर्नओवर पे जाना है। जैसे और क्या एम्बिग्विटी आ सकती है, एक और एम्बिग्विटी ये आ सकती है कि एक आदमी गुड्स और सर्विसेज दोनों की ट्रेडिंग कर रहा है, मतलब ही इज ऑल्सो सेलिंग गुड्स एंड ही इज ऑल्सो सप्लाइंग सर्विसेज। नाउ द पॉइंट इज व्हाट शुड बी द टर्नओवर लिमिट। अगेन वही बात बोलूंगा, अगर एक आदमी एमपी में है और वो गुड्स और सर्विसेज दोनों में डील कर रहा है तो उसके ऊपर 20 लाख की लिमिट ही एप्लीकेबल होगी, उसके ऊपर 40 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, अगेन लोअर लिमिट पे जाएंगे। याद रहेगी बात। एक एम्बिग्विटी और आ सकती है सर, क्या आएगी एम्बिग्विटी, सर एक आदमी गुड्स में ही डील करता है तो बताओ लिमिट क्या होगी, 40, लेकिन सर उसके पास दो तरह के गुड्स है, एक गुड्स उसका रेगुलर ट्रेडिंग वाला है जैसे रेडीमेड गारमेंट्स, और साथ में सर वो पान मसाला भी बेचता है, उसकी एक दुकान पान मसाला की है, एक दुकान उसके रेगुलर गुड्स की है, अब उसके ऊपर लिमिट 40 लगेगी या 20 लगेगी, अगेन 20 लाख ही लगेगी क्योंकि इसके ऊपर हायर लिमिट नहीं लगती, तो लोअर वाली लिमिट जो भी होगी वो भी एप्लीकेबल हो जाएगी। तो थ्रेशोल्ड लिमिट में ये सबसे पहले जो बड़े बड़े बदलाव हैं वो मैंने आपको सबसे पहले बता दिए, क्या क्या बदलाव आए हैं। जो दो थ्रेशोल्ड लिमिट्स हुआ करती थी रजिस्ट्रेशन की, वो पहली बार 3-3 हो गई है। अलग अलग स्टेट्स बढ़ गए, कुछ चले गए 10 में, कुछ चले गए 20 में, कुछ रह गए 20-40 में, कुछ ने अपनी टर्न ओवर लिमिट बढ़ा दी, कुछ ने नहीं बढ़ाई। कुछ गुड्स के ऊपर टर्न ओवर लिमिट आज भी वही है, एम्बिग्विटी में हमेशा लोअर साइड पे जाना है। ये सबसे पहला अमेंडमेंट है रिगार्डिंग थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन को लेके। अगर आप देखेंगे तो जो आपने ICAI का नोटिफिकेशन डाउनलोड किया होगा तो रजिस्ट्रेशन के अमेंडमेंट कवर होते हैं पेज नंबर 41 से, और जो थ्रेशोल्ड लिमिट का रजिस्ट्रेशन का अमेंडमेंट है ये बहुत मेजर पार्ट में उन्होंने दिया हुआ है, अराउंड 3 पेजेस कवर किए हैं, और साथ में उन्होंने प्रॉपर केस स्टडीज भी दी हुई है कि 40 अमेंडमेंट आने के बाद अब किस तरीके से टर्नओवर लिमिट्स एप्लीकेबल होगी, और इवन उसके एग्जांपल भी दिए हैं। तो ये ही पूरा उसका एक क्रक्स है। अगर आप बोलोगे इन शॉर्ट बोलें तो क्या चेंजेस है, दीज आर द चेंजेस, ये बदलाव है। और ये बात ध्यान रखना कि क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है, आपको एम्बिग्विटी वाला क्वेश्चन दे देंगे, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन दे देंगे जहां आपको दो दो स्टेट दिखेंगे, हमेशा ध्यान रखना लोअर वाले पे जाना। स्टेट के नाम तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, 4 नाम है 10-10 लाख की लिमिट के अंदर, 6 नाम है 20-20 लाख की लिमिट के अंदर, और अगेन 4 है 40 और 20 की लिमिट के अंदर। 40 लाख की लिमिट नहीं एप्लीकेबल होगी 3 तरह की कमोडिटी के ऊपर, पान मसाला, टोबैको एंड आइसक्रीम। ये नाम आपने पहले भी सुने होंगे, नोटिफाइड मैन्युफैक्चर कंपोजिशन के अंदर भी ये 3 गुड्स आते हैं, और यही रजिस्ट्रेशन में भी है। 40 लाख की लिमिट इन लोगों पे एप्लीकेबल नहीं है, इनके ऊपर 20 लाख वाली लिमिट जो पहले चल रही थी वही रहेगी, अपग्रेड हुई लिमिट इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ये सबसे पहला अमेंडमेंट है थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में। अब रजिस्ट्रेशन में और क्या अमेंडमेंट है, 4-5 पेजेस तो उसी को लेके दिए हुए, पर अगर अपन सेकंड अमेंडमेंट देखें रजिस्ट्रेशन को लेके तो बहुत इजी सा अमेंडमेंट है। ये अमेंडमेंट सेक्शन 24 में आया है, तो अपन अब बात करते हैं सेकंड अमेंडमेंट को लेके कि और क्या अमेंडमेंट रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आए हैं। अब सारे रजिस्ट्रेशन के अमेंडमेंट छोटे छोटे हैं, ये सबसे मेजर अमेंडमेंट रजिस्ट्रेशन चैप्टर में था, अब छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं, तो मैं कवर करते जाता हूं कि रजिस्ट्रेशन चैप्टर में और क्या अमेंडमेंट आए हैं। सेक्शन 24 एक लिस्ट बताता है जिसमें यह लिखा हुआ है कि किस किस आदमी पे कंपल्सरी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लिमिट रजिस्ट्रेशन करवाना है इररेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर काउंट किए बिना इनको जीएसटी नंबर लेना ही लेना है, चाहे इनका टर्नओवर 5 लाख रुपए भी क्यों ना हो। सेक्शन 24 ये बात बोलता है, क्लियर है सबको मालूम है। सेक्शन 24 ये बात बोलता है कि अगर आपका टर्नओवर 5 लाख रुपए भी है तो भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो लेना पड़ेगा क्योंकि आप 24 में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में आ जाते हो, क्लियर है। अब सवाल ये आता है कि सेक्शन 24 में एक पॉइंट लिखा था कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी नंबर लेना कंपल्सरी है। जो आदमी ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो जीएसटी नंबर लेगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब जो ऑनलाइन वेबसाइट्स है, जो ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू ट्रेडिंग कर रहे हैं या जो भी ऑनलाइन वेबसाइट्स है वो सब ई कॉमर्स में आती है, उनको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी था। अब देखो ई कॉमर्स ऑपरेटर को हम अलग अलग कैटेगरी में बांटे, तो एक ई कॉमर्स ऑपरेटर तो वो है जो 9(5) में कवर हो जाता है,
उसको तो जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी ही है, क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर आरसीएम की लाइबिलिटी में आता है, तो जो बंदा रिवर्स चार्ज में आता है उसको तो जीएसटी नंबर लेना ही पड़ता है। तो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर जो 9-5 में आता है उसको तो जीएसटी नंबर कंपलसरी लेना पड़ेगा। एक ई कॉमर्स ऑपरेटर ऐसे होते हैं जो टीडीएस डिडक्ट करने की लाइबिलिटी रखते हैं अंडर सेक्शन 52, सेक्शन 51, 52 इज फॉर टीसीएस, 51 इज फॉर, तो टीसीएस कलेक्ट करने की लाइबिलिटी रखते हैं अंडर सेक्शन 52, जिनको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है। ये सेक्शन 52 ऑफ कोर्स इंटर के सिलेबस में नहीं है, पर जो फाइनल में बच्चे हैं, जो सीएस फाइनल में बच्चे हैं और सीए फाइनल में बच्चे हैं, उनको टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजन है, तो उनको मालूम होगा कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है जब वो पेमेंट्स लेते हैं, तो जब आगे डीलर को पेमेंट भेजते हैं तो टीसीएस कलेक्ट करते हैं। ओके, नाउ द पॉइंट इज सेक्शन 52 में टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी भी कुछ ई कॉमर्स ऑपरेटर की है। अब बचे कुछ ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर जिन पे टीसीएस की लायबिलिटी भी नहीं आती। अब आप बोलोगे किस पे नहीं आती है? एक्चुअली टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी उन ई कॉमर्स ऑपरेटर पे नहीं आएगी जो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। वो लोग पैसा कस्टमर से खुद कलेक्ट नहीं करते हैं, सीधे पैसा जो है वो व्यापारी उन्हीं को दे देता है, वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका खुद का कोई ट्रांजैक्शन का या उनका खुद की तरफ से पेमेंट रूट होके नहीं जाता है। मतलब इफ आई एम कलेक्टिंग मनी फ्रॉम कस्टमर एंड देन आई एम पेइंग दैट अमाउंट टू सप्लायर, देन आई कैन कलेक्ट और डिडक्ट, आई कैन कलेक्ट टीसीएस। बट इफ आई एम नॉट कलेक्टिंग एनीथिंग, डायरेक्टली कस्टमर इज पेइंग हिज अमाउंट टू सप्लायर, देन हाउ कैन आई कलेक्ट टीसीएस और टीडीएस? मान लो एक छोटा सा ई कॉमर्स ऑपरेटर है जिसका इतना बड़ा स्केल नहीं है कि कस्टमर उसको पैसा दे दे, पैसा सीधे उनको जाता है, वो सिर्फ फ्री सर्विसेज या एक ब्रांडिंग के लिए चल रहा है, या उनका जो डीलिंग है उसमें इस तरह का ट्रांजैक्शन नहीं है कि कस्टमर से पैसा उनको फ्लो होता हो, तो वहां पे टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी नहीं आती है। अब सवाल ये है कि जिन ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीसीएस कलेक्ट नहीं करना और जो 9-5 के आरसीएम में भी नहीं आते, उनको जबरदस्ती 24 में क्यों रजिस्ट्रेशन करवाएं? जब उन लोगों को कलेक्ट करना ही नहीं है पैसा, उन लोगों पे टैक्स लायबिलिटी आनी ही नहीं है, तो वाई कंपलसरी रजिस्ट्रेशन फॉर दोज ई कॉमर्स ऑपरेटर हु आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी टैक्स टू द गवर्नमेंट? सो इसीलिए ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर जिनको टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी भी नहीं है अंडर सेक्शन 52, उनको अब जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। तो वर्ड क्या यूज हो गया? ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज कलेक्टिंग टीसीएस इज नाउ रिक्वायर्ड टू गेट कंपलसरी रजिस्टर्ड। ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सेकेंड अमेंडमेंट है, आप पेज नंबर 45 अगर आपने वो फाइल डाउनलोड की तो उसमें आप देखिएगा पेज नंबर 45 पे अमेंडमेंट है कि अगर आपने टीसीएस कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको फिर थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर आएगा तो ही रजिस्ट्रेशन लेना है, वो 22 में लेना है, 24 में जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की जरूरत नहीं रहेगी। तीसरा जो रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट आया है, दैट अमेंडमेंट इज अगेन वेरी सिंपल। अमेंडमेंट आसान है पर क्या अमेंडमेंट है प्लीज सुनना, काम का अमेंडमेंट है। आपको अगर याद हो तो तीसरे अमेंडमेंट की बात अपन करते हैं, बिजनेस वर्टिकल वर्ड सुना होगा आपने। अगर आपने पहले जीएसटी लॉ पढ़ा है तो आपको ऑफकोर्स आपने एक वर्ड सुना होगा, बिजनेस वर्टिकल। ये वर्ड मैंने हमेशा क्लास में यूज भी किया है। बिजनेस वर्टिकल का कहाँ यूज था मैं आपको याद दिलाता हूं। मैंने आपको ये बात बताई थी कि एक आदमी सेम स्टेट में भी दो जीएसटी नंबर लेना चाहे तो ले सकता है, याद है आपको? कब ले सकता है दो जीएसटी नंबर? यस, वो आदमी दो जीएसटी नंबर तब ले सकता है जब वो दो अलग अलग बिजनेस वर्टिकल चला रहा है, तो वो चाहे तो सेम स्टेट में भी दो जीएसटी नंबर ले सकता है, वो नहीं चाहे तो एक जीएसटी में भी काम कर सकता है, याद है आपको? वेरी नाइस। इसमें एक अमेंडमेंट आया है और अमेंडमेंट ये है कि पहले बोला जाता था ए पर्सन कैन ऑब्टेन डिफरेंट रजिस्ट्रेशन फॉर डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल, नाउ द न्यू प्रोविजन सेज ए पर्सन कैन ऑब्टेन डिफरेंट रजिस्ट्रेशन फॉर डिफरेंट प्लेस ऑफ बिजनेस इन द सेम स्टेट। क्या मतलब आया? आप अगर एक स्टेट में तीन या चार अलग अलग प्लेसेस से बिजनेस कर रहे हो, मतलब अगर आपकी तीन या चार अलग अलग प्लेसेस पे तीन या चार अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो आपका सेम बिजनेस भी हो तो आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं।
मतलब वो बिजनेस वर्टिकल बदलाव वर्ड हटा के उन्होंने डिफरेंट प्लेस ऑफ बिजनेस वर्ड ऐड कर दिया. इट मींस अगर मेरी दो ब्रांचेस मान लीजिए स्वीट्स की है और एक ब्रांच मेरी रेडीमेड की दुकान की है, तो पहले मैं स्वीट्स के दोनों ब्रांचेस का सिंगल जीएसटी और रेडीमेड की एक दुकान का एक अलग जीएसटी नंबर ले सकता था. अब वो बोलते हैं कि आप तीनों ब्रांचेस का अलग अलग जीएसटी नंबर लेना चाहो तो अलग अलग भी ले सकते हो. मतलब अब प्लेस ऑफ बिजनेस के हिसाब से आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना चाहो तो ले सकते हो. पहले रजिस्ट्रेशन प्लेस ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग नहीं मिलता था, पहले रजिस्ट्रेशन बिजनेस वाइज मिला करता था. इफ यू आर डूइंग 5 वैरायटी ऑफ बिजनेस इन द स्टेट, यू कैन अप्लाई फॉर 5 रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट. बट इफ यू आर डूइंग सिंगल बिजनेस एंड हैविंग 10 ब्रांचेस, यू कैन हैव ओनली 1 जीएसटी नंबर. नाउ दे आर सेइंग इफ यू आर हैविंग डिफरेंट प्लेस ऑफ बिजनेस 10 ब्रांचेस, यू कैन अप्लाई फॉर 10 सेपरेट रजिस्ट्रेशन इफ यू वॉन्ट. ऑप्शनल है, आप एक से करना चाहो तो एक से करो, आप अगर डिफरेंट वैरायटी ऑफ जीएसटी नंबर लेना चाहो तो अलग अलग प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए अलग अलग जीएसटी नंबर लिया जा सकता है. ये तीसरा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ए पर्सन हैविंग मल्टीपल प्लेस ऑफ ए बिजनेस इन ए स्टेट, नाउ दे कैन अप्लाई डिफरेंट रजिस्ट्रेशन फॉर डिफरेंट प्लेस ऑफ बिजनेस. चौथा एक और अमेंडमेंट जो रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर आया है एंड इट इज ऑन पेज नंबर 46. क्या है अमेंडमेंट? पहले ऐसा क्लॉज नहीं था पर अब ऐसा क्लॉज आ गया है. देखो अभी हमने क्या बोला कि आपकी अगर मध्य प्रदेश में ही दो ब्रांचेस हैं तो आप दोनों ब्रांचेस का अलग अलग जीएसटी नंबर लेना चाहे तो अलग ले सकते हैं और सिंगल लेना चाहे तो सिंगल ले सकते हो. ऑप्शनल है, वेरी नाइस. लेकिन अगर एक ब्रांच आपकी नॉन एसीजेड जोन में है, नॉन एसीजेड जोन मतलब डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में, डीटीए में है, मतलब नॉन एसीजेड जोन में है, और एक ब्रांच आपकी अगर एसीजेड जोन में है, मतलब आपका एक यूनिट एसीजेड में आता है और आपका एक यूनिट नॉन एसीजेड में आता है, सो नॉन एसीजेड और एसीजेड के लिए डिफरेंट रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है. मतलब अगर आपकी एक यूनिट सेस जोन में है और आपकी एक यूनिट नॉन सेस जोन में है तो दोनों के लिए आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन ही लेना पड़ेगा. अब आप सिंगल नहीं ले सकते, चाहे बिजनेस एक हो चाहे बिजनेस अलग हो, डजेंट मैटर. सेस और नॉन सेस के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया गया है. क्या लिखा हुआ है? जो प्रोविजन है, जो अमेंडमेंट है, वो ये बोलता है कि ए पर्सन हैविंग ए यूनिट इन सेस और बीइंग ए सेस डेवलपर शैल हैव टू अप्लाई फॉर ए सेपरेट रजिस्ट्रेशन एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ बिजनेस लोकेटेड आउटसाइड द सेस इन द सेम स्टेट. सेम स्टेट में अगर एक बिजनेस सेस के बाहर है और एक बिजनेस सेस के अंदर है, आपको दोनों के लिए अलग प्लेस ऑफ बिजनेस दो अलग अलग जगह है, आपको दोनों के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा. आप दोनों के लिए सिंगल रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये एक और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट नंबर थर्ड. पहला क्या था? थ्रेशोल्ड लिमिट. दूसरा सॉरी अमेंडमेंट नंबर फोर्थ थर्ड अमेंडमेंट सेकेंड अमेंडमेंट था टीसीएस कलेक्टर ई कॉमर्स पे ही अब कंपलसरी है, सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर पे नहीं है. तीसरा था अब प्लेस ऑफ बिजनेस के हिसाब से सेपरेट रजिस्ट्रेशन मिलता है जो पहले बिजनेस वर्टिकल के हिसाब से मिलता था. चौथा है कि आपको सेस के लिए एक अलग रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा, आप सेस और नॉन सेस का एक रजिस्ट्रेशन नंबर से काम नहीं कर सकते. पांचवा एक और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है इन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन, और वो पांचवा अमेंडमेंट जो है वो है रिगार्डिंग कैंसिलेशन, पॉइंट नंबर 5. यस, कहानी बड़ी सिंपल है, मैं आपको समझाता हूं कि इस अमेंडमेंट के आने के पीछे रीजन और ये अमेंडमेंट एग्जैक्टली है क्या. आज मान लीजिए एक आदमी 30 सितंबर को या 1 अक्टूबर को वॉलेंट्री कैंसिलेशन अप्लाई करता है, किसी भी कारण से, या तो डेथ हो गई है प्रोप्राइटर की या बिजनेस बंद हो गया है, किसी भी कारण से वॉलेंट्री कैंसिलेशन अप्लाई करता है. अब इनका कैंसिलेशन ऑर्डर आया मान लीजिए 15 नवंबर को, ही ठीक है साहब हम तुम्हें जीएसटी नंबर कैंसिल करने का ऑर्डर देते हैं, तो साहब यहां से आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाएगा. प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम यह है कि 1 अक्टूबर से ही मैं कैंसिलेशन अप्लाई कर चुका हूं, जबकि मुझे कैंसिलेशन मिला कब? 15 नवंबर तक. तो मेरा बिजनेस भी 1 अक्टूबर को बंद हो गया है, जिस व्यापारी का बिजनेस था उसकी डेथ हो गई है या सेल हो गया है या मर्जर अमलगमेशन हो गया, जो भी रीजन हुआ, अल्टीमेटली माय बिजनेस हैज बीन क्लोज एंड आई हैव अप्लाइड फॉर वॉलेंट्री कैंसिलेशन ऑन 1 अक्टूबर, बट आई गेट माई रजिस्ट्रेशन गेट कैंसिल्ड ऑन 15 नवंबर. नाउ द पॉइंट इज 1.5 महीने
तक क्या मेरे को कंप्लायंस करने पड़ेंगे, क्या डेढ़ महीने के लिए मुझे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, क्या मैं इन डेढ़ महीनों में कोई इनवॉइस जनरेट कर सकता हूं। सरकार ने बोला यार ये तो गड़बड़ है, आदमी अप्लाई कर रहा है एक को, प्रोसीजर के कारण, डॉक्यूमेंटेशन के कारण उसको जीएसटी नंबर कैंसिल हो रहा है 15 नवंबर से, तो इस डेढ़ महीने का क्या। उन्होंने एक छोटी सी बात बोल दी, अगर आपने वॉलंटरी कैंसिलेशन अप्लाई किया है तो आपका रजिस्ट्रेशन उस दिन से सस्पेंडेड माना जाएगा जिस दिन आपने कैंसिलेशन अप्लाई कर लिया है। मतलब 1 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं, सस्पेंड हो गया। आपको पता है सस्पेंड और कैंसिलेशन में क्या फर्क है? कैंसिल हो गया है मतलब फाइनली कैंसिलेशन ऑर्डर आ गया है, सस्पेंड हो गया है मतलब अगर सब कुछ सही रहा तो ये कैंसिलेशन भी हो जाएगा, अनलेस अंटिल कुछ गड़बड़ नहीं आ जाए तो ये कैंसिलेशन भी हो जाएगा। आपको कैंसिलेशन ऑर्डर बाद में मिलेगा, पर सस्पेंड हो गया मतलब अब आपका रजिस्ट्रेशन थोड़े दिनों के लिए ब्लॉक हो गया है, ऐसा मान लीजिए। अब अगर रजिस्ट्रेशन ब्लॉक हो गया है मतलब इस पीरियड के लिए, कौन सा पीरियड, 1 अक्टूबर से 15 नवंबर के लिए, ना तो आपको कोई रिटर्न फाइल करना है, ना ही आप कोई टैक्सेबल इनवॉइस इस पीरियड में यूज कर सकते हो, इश्यू कर सकते हो, ना कोई आईटीसी क्लेम कर सकते हो। आप इस पीरियड में कोई कंप्लायंस करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली कैंसिलेशन ऑर्डर यहां आया है, पर कैंसिलेशन अप्लाई 1 अक्टूबर से किया गया था, तो 1 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच इस कैंसिलेशन को सस्पेंडेड माना जाएगा। और जब इस कैंसिलेशन को आप सस्पेंडेड माने जाओगे मतलब इस पीरियड के लिए आपको कोई कंप्लायंस या कोई इनवॉइस इशू करने की, इशू भी नहीं कर सकते, लेकिन आपको कोई कंप्लायंस भी करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो जबरदस्ती का 1.5 महीने का कंप्लायंस आ रहा है, जहां आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो ही चुका है, तो जबरदस्ती 1.5 महीने का कंप्लायंस करने की जरूरत भी नहीं आनी चाहिए। आ रही बात समझ में? तो ये एक और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, पेज नंबर 47 पे दिया हुआ है। मैनर ऑफ सस्पेंशन, अगर आप सस्पेंड कर देते हो, अप्लाइड फॉर, क्या लिखा हुआ फर्स्ट पॉइंट के अंदर, वेयर रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड पर्सन इज अप्लाइड फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, द रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड पर्सन इज अप्लाइड फॉर कैंसिलेशन, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी सस्पेंडेड फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन और द डेट फ्रॉम विच कैंसिलेशन इज सॉट विच एवर इज लेटर। अगर ये आदमी ये बोलता कि नहीं मुझे 1 अक्टूबर से नहीं, मुझे 10 अक्टूबर से कैंसिलेशन चाहिए, तो फिर 10 अक्टूबर से सस्पेंडेड माना जाता। अगर वो बोलता मुझे 15 अक्टूबर से कैंसिलेशन चाहिए, तो 15 अक्टूबर से सस्पेंडेड माना जाता है। अप्लाई करना या जिस दिन से वो कैंसिलेशन मांग रहा है उसमें से जो भी बाद में आ रहा है वहां से आपको सस्पेंडेड माना जाएगा, और उस पीरियड के लिए आपको कोई कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है, और उस पीरियड के दौरान आप कोई टैक्सेबल सप्लाई भी नहीं कर सकते, आपको इनवॉइस इशू करने का अधिकार भी नहीं रहेगा। अगर वो सस्पेंशन जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा अगर कैंसिलेशन ऑर्डर आ गया, और फाइनली वो यहीं से कैंसल्ड मान लिया जाएगा, जिस दिन वो कैंसिलेशन अप्लाई हुआ है रजिस्ट्रेशन वहीं से कैंसल्ड मान लिया जाएगा। तो मुद्दा बड़ा सिंपल था कि इस 1.5 महीने के लिए क्या मुझे रजिस्ट्रेशन कैरी करके चलना पड़ेगा, क्या मुझे रजिस्ट्रेशन के कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, क्या मैं टैक्सेबल सप्लाई कर सकता हूं, नहीं। अप्लाई करने या जिस दिन से मैं कैंसिलेशन चाहता हूं जो भी बाद में है वहां से वो रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड मान लिया जाएगा। ये एक और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है रिगार्डिंग कैंसिलेशन। एंड नाउ देर आर 1 or 2 सर्कुलर दैट इज रिगार्डिंग, आई थिंक 2-3 सर्कुलर्स जो कि अभी नए नए आए हैं, इसमें से 1-2 तो हमने पढ़े हुए भी होंगे क्लास के अंदर, फिर भी मैं एक बार चारों सर्कुलर के बारे में बात कर लेता हूं जो रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर है। पहला जो नोटिफिकेशन आया है जिसमें उन्होंने बात किस बारे में की है, ये 6ठा अमेंडमेंट मान सकते हैं अपन, 6ठा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए क्या है पॉइंट, एक आदमी को ऑफिसर ने कैंसिलेशन दे दिया। अब आप बोलोगे क्यों दे दिया, क्योंकि भाई साहब ने पिछले 6 महीने के रिटर्न्स ही नहीं भरे थे। अगर रिटर्न फेलियर आ गया और रिटर्न्स नहीं भरे तो भाई साहब का कैंसिलेशन तो होना पक्का है, तो इन भाई साहब ने पिछले 6 महीने के रिटर्न नहीं भरे, तो इनके लिए ऑफिसर ने एक बड़ा सा प्यारा सा इनविटेशन कार्ड पहुंचा दिया कि आपका क्यों ना जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया जाए, और इन भाई साहब को मौका मिला उसके बाद भी ये कुछ नहीं कर पाए, इनका कैंसिलेशन ऑर्डर आ गया। याद करो डूबते हुए को तिनका काफी है, तो यहां पे डूबती हुई कैंसिलेशन को बचाने का एक तरीका काफी है और वो है रेवोकेशन। आप कैंसिलेशन किए गए ऑर्डर को रिवोक करवाने के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये करवाने से पहले आपको पेंडिंग रिटर्न भरने पड़ेंगे। तो आपने ये जो 6 महीने के पेंडिंग रिटर्न्स थे ये भरे और आपने रिवोकेशन अप्लाई कर दिया, और आपको इसके 30 डेज के अंदर मान लो रिवोकेशन ऑर्डर मिल भी गया और आपका कैंसिल किया हुआ जीएसटी नंबर वापस जिंदा हो गया।
कैंसिलेशन आया, मैंने रिटर्न भर के रिवोकेशन अप्लाई किया और मेरा रिवोकेशन ऑर्डर आ गया, मतलब मेरा जीएसटी नंबर फिर से क्या हो गया, जिंदा हो गया। अब सवाल आता है कि अगर मेरा जीएसटी नंबर जिंदा हो गया तो ये माना जाएगा कि मेरा जीएसटी नंबर कभी मरा ही नहीं था। मरा ही ना, मर गया तो मर गया, अगर जिंदा हो गया मतलब कभी भी नहीं मरा, मतलब वो ऑर्डर कभी आया ही नहीं, ये मानेंगे। और ये मानेंगे कि रिवोकेशन तो रिवोकेशन आ गया मतलब कैंसिलेशन कभी हुआ ही नहीं। तब सवाल ये आता है कि यहां से यहां तक भी तो रिटर्न पेंडिंग चल रहे होंगे, क्योंकि इस बीच तो स्थिति नाजुक थी ना, तो इस बीच तो आपका कैंसिलेशन आ चुका था, तो आपने इस बीच तो कोई रिटर्न फाइल इस पीरियड का तो किया ही नहीं होगा, इस पीरियड के रिटर्न तो क्या चल रहे होंगे, पेंडिंग। तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन और सर्कुलर जारी करके ये क्लियर किया है कि जितने भी रिटर्न्स पेंडिंग है, पेज नंबर 48 पे आप देख सकते हो, उन्होंने नीचे अगर आप देखेंगे तो टू न्यूली इंसर्टेड प्रोविजो क्या क्या है। पहला है ऑल रिटर्न ड्यू फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर टिल द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन शैल बी फर्निश्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। मतलब यहां से 30 दिनों के अंदर अंदर ये सारे पेंडिंग रिटर्न्स भरने पड़ेंगे, जितने भी रिटर्न्स पेंडिंग है। कहां के बीच के, देखो इसके पहले के पेंडिंग रिटर्न तो भाई साहब ने भरे होंगे तभी रिवोकेशन मिला होगा, अदरवाइज तो रिवोकेशन मिला ही नहीं होगा। लेकिन जो रिटर्न्स पेंडिंग है इसके बाद के, कहां से, ऑर्डर से लेके रिवोकेशन ऑर्डर के बीच के, इन रिटर्न्स को भरने के लिए आपको कितने दिन मिलेंगे, 30 days। इन रिटर्न्स को आप 30 दिन के अंदर भर सकते हैं, इस रिटर्न को भरने के लिए आपको 30 दिन का समय मिलेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, वेरी नाइस। तो यू विल गेट 30 days टू फिल ऑल द रिटर्न्स विच आर पेंडिंग फॉर ए पीरियड ऑफ बिटवीन कैंसिलेशन ऑर्डर एंड रिवोकेशन ऑर्डर। ये एक और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे पॉइंट है, नीचे लिखा हुआ भी है। फ्रॉम द कंबाइंड रीडिंग व्हाट वी कैन इंटरप्रेट इज ऑल द रिटर्न ड्यू टिल द डेट ऑफ कैंसिलेशन आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बिफोर एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन। ये वाला कि जो भी रिटर्न पहले से पेंडिंग चल रहे हैं उनको तो पहले भरना पड़ेगा। ऑल द रिटर्न विच आर ड्यू फ्रॉम द पीरियड ऑफ कैंसिलेशन टिल रिवोकेशन ऑर्डर टू बी फाइल्ड विद इन 30 days। दोनों चीजें मैंने आपको बता दी कि ये रिटर्न तो पहले भरने ही पड़ेंगे, लेकिन ये रिटर्न भी 30 days के अंदर फाइल करने पड़ जाएंगे। ये एक और पॉइंट है, छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि रजिस्ट्रेशन के अंदर अमेंडमेंट में कवर होता है। इसके बाद अगला वाला जो पॉइंट है वो आई थिंक मैंने क्लास में ही कवर कर दिया था, क्योंकि ये अमेंडमेंट अभी का नहीं है, ये अमेंडमेंट 31/10/2017 का है, और इसके पहले वाला जो अमेंडमेंट ऊपर वाला था ये डेट नहीं थी, पर ये जो है ये सेकंड वाला जो नोटिफिकेशन है ये 31/10/2017 का है। और ये नोटिफिकेशन क्या बोलता है कि हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए इंटर स्टेट में 20 लाख के ऊपर की लिमिट है। तो ये मैं ऑलरेडी लिखवा चुका था सेक्शन 24 के अंदर ही, और पिछली बार जो अमेंडमेंट्स थे उसी में मैंने ये कवर कर दिया था कि जो इंटर स्टेट सप्लाई होती है उसके लिए कंपलसरी जीएसटी नंबर है, अगर सप्लाई ऑफ गुड्स है तो, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए नहीं, गुड्स के लिए कंपलसरी जीएसटी नंबर है। लेकिन उसमें एक्सेप्शन में लिखवा दिया था हैंडीक्राफ्ट आइटम। सेम मैंने कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए भी लिखवाया था कि दोनों ही इंटर स्टेट करते हैं तो उनके इसमें आपको हैंडीक्राफ्ट आइटम के लिए वो 20 लाख तक की पूरी लिमिट मिलेगी। मतलब आप 24 में कंपलसरी नहीं आओगे, आप 22 में आओगे। अगर आप 22 की लिमिट में आते हो तो आपके ऊपर जीएसटी कंपलसरी रहेगा, पर आप इंटरस्टेट कर रहे हो हैंडीक्राफ्ट गुड्स का तो आप फिर 24 के अंदर टर्नओवर इग्नोर मार के आपको कंपलसरी जीएसटी नंबर नहीं देंगे। टर्नओवर अगर 20-40 के ऊपर जाएगा तो ही जीएसटी नंबर आपको मिलेगा। तो आई थिंक दीज आर द मेजर अमेंडमेंट दैट वी हैव टू कवर, और ये मैंने आपको कवर करवा दिए हैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर के सारे अमेंडमेंट। कुल मिला के 6 या 7 इंपॉर्टेंट, 5 तो मेजर अमेंडमेंट है और 2-3 नोटिफिकेशन है जो कि मैंने आपको यहाँ पे कवर कर दिए हैं। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन चैप्टर का अमेंडमेंट पार्ट होता है कंप्लीट। मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के लिए वापस मिलूंगा जिसमें हम अगले चैप्टर जैसे कंपोजिशन है, इन सब चैप्टर्स के अमेंडमेंट्स की डिस्कशन चालू करेंगे। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।